आदित्यनाथ योगी जी के हाथ का, जो कि प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, तो काफ़ी क्लियर पिक मुझे मिली है इनकी गूगल से, तो मैंने सोचा कि इनका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इनके हाथ में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ा क्लोजअप लेना चाहूँगा यहाँ हाथ की पिक का इनके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर पिक है और काफ़ी क्लियर लाइन्स हमें यहाँ इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो माउंट्स के ऊपर आपकी गौर करवाना चाहूँगा। माउंट्स आप देख सकते हैं, वीनस माउंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर इनके हाथ में, कोई भी खास लाइंस नहीं है ऐसी, और उभरा हुआ वीनस माउंट जो एक तरह से लग्जरीज प्रोवाइड करता है लाइफ में और हर तरह की सुख सुविधाएँ व्यक्ति को मिलती हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मून माउंट काफ़ी क्लियर है इनका, मून माउंट के ऊपर यात्रा की रेखाएँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं यहाँ ऊपर की तरफ चलती हुई, तो काफ़ी ट्रैवलिंग रहेगी इनकी लाइफ में, काफ़ी यात्राएं करते रहेंगे ये। उसके बाद यहाँ पर आप देखें इनकी फेट लाइन यहाँ से चलती हुई लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, बहुत ही क्लियर फेट लाइन है, काफ़ी लंबी फेट लाइन है इनके हाथ में जो इनके लिए बहुत ही लकी है। थोड़ा इमेजिनेटिव माइंड शो हो रहा है माइंड की लाइन से, यहाँ तक माइंड की लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ती हुई, थोड़ी सी इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी कह सकते हैं, इमेजिनेशंस रहेंगी इनके अंदर। और जो एक चीज़ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के हाथ में मैंने कॉमन देखी है वो इनके हाथ में भी बन रही है, जिसको हम एम का सिंबल कहते हैं, यहाँ पर तीन लाइंस के मिलने से बनता है, जो इनके हाथ में भी काफ़ी क्लियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यह एरिया जो है जो लक लाइन का एरिया है बहुत ही एक तरह से क्रूशियल एरिया है, इसी एरिया के मिलने से ही एम का सिंबल बन पाता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस फेट लाइन के इतने पोर्शन की, यहाँ पर फेट लाइन का होना बहुत ज़रूरी है, जिनके हाथ में यहाँ पर फेट लाइन होते हैं उन्हीं का एम कंप्लीट हो पाता है, और यह कंप्लीट जो एरिया है, यह जो एज होती है 36 से लेकर 58 तक, इस एज में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस व्यक्ति करता है, तो यहाँ पर इस जगह पर फेट लाइन का होने से क्लियर एम का सिंबल बन जाता है। इनकी आप चेक कर सकते हैं हार्ट की लाइन थोड़ी सी कर्व्ड है ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी सी इमोशनल पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ना हार्ट लाइन का कुछ इमोशंस को बढ़ाता है, और जो इनकी लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लगभग 80 के आसपास की इनकी एज रहने वाली है और काफ़ी अच्छी विल पावर रहेगी इनके अंदर, अंगूठा जो है बड़ा एक तरह से सीधा दिखाई दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है। फिंगर्स पे गौर करें तो काफ़ी थिक हैं, जो बेस फैलेंजेस हैं काफ़ी थिक हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, और काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहने वाला है। और अगर आप देखें यहाँ पर लेंथ की बात की जाए तो थोड़ी सी तर्जनी जो है थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, अदरवाइज़ जो इनकी फिंगर है अपोलो की उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तर्जनी की लेंथ भी लगभग इक्वल ही दिखाई दे रही है, तो काफ़ी अच्छी इनके अंदर स्किल्स रहने वाली हैं, एक तरह से लीडरशिप स्किल्स इनको हम कह सकते हैं, और एक यहाँ पर इनकी इस फिंगर का अच्छा होना तो फेम दिलवाता ही है। और मर्करी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, फिंगर ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा लो सेट है माउंट, थोड़ा लो सेट है जो थोड़ी सी शाइनेस जैसी एक तरह से नेचर व्यक्ति की बनाता है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से अगर हाई सेट होती है मर्करी फिंगर तो व्यक्ति मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट हो रही है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन में थोड़ी सी इनको दिक्कत रह सकती है। ओवरऑल इनके हाथ में काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं, कोई भी लाइन मुझे यहाँ पर ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो जिसमें कोई फ्लॉ हो, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर क्लोजअप में आप देख सकते हैं, सारी की सारी लाइंस बहुत क्लियर हैं, हार्ट की लाइन पे किसी तरह कोई आईलाइन नहीं है, माइंड की लाइन पे कोई भी फ्लॉ नहीं है, और ओवरऑल काफ़ी अच्छी लाइंस मुझे यहाँ इनके हाथ में नज़र आई। तो यह एनालिसिस बस इतना ही यहाँ बताना चाहूँगा योगी जी के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।